तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये लीजिए आपका मोबाइल, बिल इसके अंदर ही है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे पास बेझिझक आ जाइएगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज अवर मोटो। मतलब ग्राहक की संतुष्टता, वही हमारा ध्येय। ऐसा सब दुकान वाले बोलते हैं, लेकिन भाई साहब बाकी सब दुकान में और गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स में यही फर्क है। हम जो बोलते हैं वो करते ही है, और जो करते हैं वो बोलते ही है। आप पहली बार हमारी दुकान से खरीदी कर रहे हैं ना? जी हाँ। भगवान ना करे आपको कभी भी हमारी आफ्टर सेल्स सर्विस की जरूरत पड़े, लेकिन अगर कभी आपको हमारी आफ्टर सेल्स सर्विस की जरूरत पड़ी तो आपको ऐसा खुशनुमा अनुभव मिलेगा कि आपका दिल आपको पुकार पुकार के कहेगा कि खरीदी करने के लिए गडा इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा और कहीं जाना ही नहीं है। अब मैं जाऊं? प्लीज कम अगेन। फिर आइएगा कह रहे हैं। आज तो जल्दी बोनी हो गई। अरे नहीं नहीं सेठ जी, बोनी तो कब की हो गई, ये तो चौथा कस्टमर था। आप लेट आए ना, इसलिए शायद आपको ये पहली बोनी लगी। नॉर्मली यू नेवर लेट, एंड इफ एट ऑल यू कमिंग लेट यू ऑलवेज कॉल एंड टेल अस दैट आई विल बी कमिंग लेट, बट टुडे यू डिडंट इवन कॉल एंड यू जस्ट केम लेट। मे वी हैव अ प्रिविलेज टू नो व्हाई यू आर लेट? जवाब समझ में नहीं आया? कौन सी भाषा में जवाब दिया ये समझ में नहीं आया? हाँ तो सवाल भी समझ में आए ऐसी भाषा में पूछना चाहिए ना। सेठ जी आज आपको लेट कैसे हो गया? बस इतना ही पूछना था। हाँ तो इसके लिए अंग्रेजी में 8-10 वाक्य क्यों बोले? वो मैं बताता हूँ सेठ जी, दरअसल नट्टू काका ने सवाल पूछने से पहले पूर्व भूमिका बांधी। वे पूछना चाहते हैं कि आप अक्सर लेट आने वाले होते हो तो हमें फोन करके बताते हो कि आपको लेट होने वाला है, लेकिन आज बिना फोन किए ही लेट आए। तो क्या हम ये जानने की चेष्टा कर सकते हैं कि आपको दुकान आने में आज लेट क्यों हुआ? टप्पू की वजह से। ओके टप्पू, टप्पू सेना के साथ क्रिकेट खेल रहा था। ऑनलाइन? नहीं, सोसाइटी कंपाउंड में। अरे वाह, मतलब टप्पू सेठ जी पढ़ाई करके वापस आ गए? हाँ। ओ, ओबीडियंस एंड रिटर्न्स। कब आए टप्पू सेठ जी? कल रात को। अरे वाह, किसे फोन कर रहे? टप्पू सेठ जी को। बहुत दिन हो गए टप्पू सेठ जी से बात नहीं हुई। नटू काका फोन स्पीकर पे रखना, मैं भी टप्पू सेठ जी से बात करूंगा। अरे हेलो नटू काका, कैसे हो? आई एम फाइन बेटा, एब्सोल्युटली फाइन। हाउ आर यू? आई एम फाइन टू, थैंक यू। बागा भाई कैसे हैं? टप्पू सेठ जी मैं भी एकदम मस्त हूँ, सुन रहा हूँ, फोन स्पीकर पे है। ओ अच्छा, कैसी रही आपकी पढ़ाई? एकदम मस्त। तो अभी पढ़ाई खत्म ना? यस यस। बस तो फिर आ जाइए दुकान संभालने, बीच वाले सेठ जी राह देख रहे हैं रिटायर होने की। कौन बीच वाले सेठ जी? किसकी बात कर रहा है तू? आपकी। बापूजी बड़े सेठ जी, टप्पू सेठ जी छोटे सेठ जी, और आप बीच वाले सेठ जी। तुझे किसने कहा कि मुझे रिटायर होना है? हैं? अरे तुम दोनों रिटायर हो जाओगे ना तो भी मैं रिटायर नहीं होऊंगा। कच्ची माड़ू कभी रिटायर नहीं होता। एब्सोल्युटली राइट पापा। चलो नट्टू काका, बागा भाई, मैं आप दोनों को मिलने जल्दी दुकान पर आता हूँ। हाँ हाँ टप्पू सेठ जी जल्दी आइएगा, हम तीनों आपका बेसब्री से इंतजार करेंगे। तीन नहीं भाई, दो, मैं तो उसे घर पे मिल चुका हूँ ना। तीन मतलब आपकी बात नहीं कर रहा हूँ तो? तीन मतलब मैं, नट्टू काका,
और बावरी जी। हाँ पक्का मिलेंगे, जल्दी मिलता हूँ, बाय। ओके बाय। ए भाई, अचानक बीच वाले सेठ जी को रिटायर करने का ख्याल कहाँ से है तेरे दिमाग में? सेठ जी कस्टमर। आश, कस्टमर जी आए। वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। वेलकम वेलकम, बताइए क्या खरीदेंगे? टीवी। आपके पास रामसंग कंपनी का 85 इंच का 8K टीवी है? है ना सर? क्या बात है, एकदम बढ़िया पसंद है आपकी। आज की तारीख में ये टीवी मार्केट में एकदम बेस्ट टीवी है और 8K रिजोल्यूशन होने की वजह से इसकी पिक्चर क्वालिटी एकदम बढ़िया है। अच्छा, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं है कि आप टीवी देख रहे हैं, आपको ऐसा ही लगेगा कि आप प्रत्यक्ष उस जगह पे पहुंच गए हैं, एकदम थिएटर जैसा एहसास होगा आपको। अरे वाह, क्या बात है, प्राइस क्या है? सिर्फ 10 लाख रुपए। क्या इतना महंगा? सामने आपको चीज भी वैसी मिल रही है ना भाई साहब, और आप नसीब वाले हैं कि इसका पीस हमारे पास स्टॉक में है, वरना इसकी मार्केट में इतनी डिमांड है कि कंपनी से माल आता ही तुरंत बिक जाता है। ज्यादा सोचे मत, आंख बंद करके ले लीजिए। हाँ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो आंख बंद करके 10 लाख का टीवी खरीद लूं। अरे 10 लाख में 50,000 वाले 20 टीवी आ जाएंगे। अरे घर के हॉल में क्या, किचन में, बेडरूम में, बाथरूम में, स्टोर रूम और कॉरिडोर में दो दो तीन तीन टीवी लगा सकते हैं। अरे 10 लाख का कोई टीवी होता है? ले, तो आपको पता नहीं था कि ये टीवी 10 लाख का है? मार्केट में इसका बड़ा बोलबाला है, तो मैं तो बस ऐसे इंक्वायरी करने के लिए आ गया। अरे 10 लाख का टीवी, लुक्स आर रियली डिसेप्टिव। फिर से इंग्लिश? अरे भाई समझ में, ऐसा बोलो ना कुछ। यही कि लोग दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और है। आई नो, दिख रहा था खरीददार और निकला सिर्फ पूछ परछ करने वाला। ओ सो, हेलो एवरीबॉडी। आ जो, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? नहीं। अरे मैं कस्टमर बन के आई हूँ। तो थैली कहाँ है तेरी? टीवी आप थैली में देते हैं। बावरी जी, आप टीवी खरीदने आए हैं? अरे कोई टीवी बीवी नहीं खरीदना भाई, उसे पता है ना कि दुकान के टाइम पे दुकान में तुझसे मिलना अलाउ नहीं है, इसलिए कस्टमर बन के आ जाती है, क्योंकि उसको ये भी पता है कि कस्टमर बन के आएगी तो दुकान में आने से मैं उसे मना नहीं कर सकता। नहीं, मैं सच में टीवी खरीदने आई हूँ। अच्छा, कितने इंच का? 32 इंच का? नहीं। 43? नहीं। तो 55? नहीं। 65? नहीं। 75? नहीं। 85? हाँ, 85 इंच वाला, रामसंग कंपनी का 85 इंच का 8K स्मार्ट टीवी। अरे बावरी जी, वो टीवी 10 लाख रुपए का है। हाँ, पता है। अरे बावरी जी, मुझसे मिलने के लिए आपको इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? दुकान बढ़ाने के बाद मिलते हैं ना। हाँ। बागेश्वर जी, मुझे सच में टीवी खरीदना है। अरे चल चल, अभी बावरी बहुत हो गया, चलो चलो अभी चलो। हाँ? मैं सच में टीवी खरीदना चाहती हूँ। बावरी, बस अभी तू जाती है कि हम सब दुकान छोड़ कर चले जाए? चलो भैया नहीं जाएगी, हम लोग दुकान के बाहर निकल, दुकान बंद करो, चलो बाहर निकलना है धंधा, चलो बाहर निकलते, चलो। बोलिए बोलिए बापू जी। हाँ देखिए, तू दुकान पहुंच गया ना? हाँ, कब का? तुझसे एक बात करनी रह गई थी। अभी क्या किया टप्पू ने? ये टप्पू कभी सुधरेगा बापू जी? अरे तेरी कैसे चालू मत कर भाई, टप्पू ने कुछ नहीं किया है। दरअसल वो अहिंसा धाम नाम की गौशाला में गौ माता की सेवा के लिए 5,000 रुपए की भेंट चढ़ा ली। वो तो भिजवा दूंगा बापू जी। और बोलिए। नहीं, बस बस,
चल रखता हूँ। ओके बाबूजी, ओके। वाह, जेठिया की माँ, हमारा बेटा कितना संस्कारी। जेठिया को कभी भी दान पुण्य करने को कहो, कभी सवाल नहीं करता। ऐसा आज्ञाकारी बेटा सबको मिले। दादाजी, हम आपके साथ डांस करने आए हैं। हाँ दादाजी, आज आपको हमारे साथ डांस करना पड़ेगा। हाँ प्लीज दादाजी, हमारे साथ डांस कीजिए ना, मना मत करो। हाँ प्लीज। हाँ, अरे तो मना कौन कर रहा है, मैं करूंगा ना डांस तुम लोगों के साथ। अरे पोते के साथ डांस करने मिले तो कौन सा दादाजी मना करेगा। दादाजी आप सबसे बेस्ट हो, आप हमारी किसी भी बात के लिए मना नहीं करते। तो भाई क्यों मना करूंगा, अरे मैं टपू सेना का सबसे छोटा मेंबर जो हूँ, सबसे यंग। बिल्कुल दादाजी, तो लेट्स स्टार्ट। क्या गया भाई, मेरे कंट्रोल नहीं हो। ओहो पिंकू, ये तेरे लिए। मैं सबके लिए गिफ्ट लाया तो तुझे कैसे भूल सकता था, तेरे लिए गिफ्ट है, खोल के देख। कैसा लग रहा है? अरे एकदम चंगा लग रहा है जी। थैंक यू सो मच टप्पू, थैंक यू। वाह वाह टप्पू यार, तू तो एकदम सच्चा दोस्त है यार। अब तो डांस करने का और भी मजा आएगा। थ्री चीयर्स फॉर टप्पू। थैंक यू सो मच दादाजी, आपने हमारे साथ डांस किया, सच में बहुत मजा आया। मजा आ गया। अरे मजा तो मुझे भी बहुत आया बच्चों, लेकिन बच्चों आज मुझे तुम लोगों से कुछ कहना है। बोली बोली बोले दादाजी। हाँ हाँ बोली ना दादाजी। देखो तुम लोग खूब मस्ती करो, खूब खेलो कूदो, खूब मजे करो, है? लेकिन अपने भविष्य के बारे में भी सोचो। तुम लोग अभी इतने छोटे नहीं रहे कि हम लोग बात बात पे तुम्हें रोके टोके, इसलिए तुम्हें खुद अपने भविष्य के बारे में सोचना है और तय करना है कि आगे जाके क्या बनना है। जी दादाजी। जी दादाजी। बच्चों, सारे माँ बाप कितनी मेहनत करके कष्ट लेके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तरह तरह की शिक्षा दिलाते हैं, तब उन्हें भी उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए कि नहीं, है? अरे बच्चों का कर्तव्य होता है कि वो लोग ऐसा काम करें कि उनके माँ बाप को उन पे गर्व हो। यस दादाजी। यस दादाजी। दादाजी टप्पू को पता है कि पापा दुकान में दिन रात कितनी मेहनत करते हैं, और आप देखना टप्पू ऐसा काम करेगा जिससे पापा खुशी के मारे गरबा करने लगेंगे। ढोलीड़ा ढोल रे बगाड़ मारे हिचले बिछे, ढोलीड़ा ढोल रे बगाड़ मारे हिचले बिछे, हिचले बिछे ने मारे गरबे घुमुछे, हिचले बिछे ने मारे गरबे घुमुछे। ए हले ढोलीड़ा ढोल रे बगाड़ मारे हिचले बिछे, ढोलीड़ा ढोल रे बगाड़ मारे हिचले बिछे, हिचले बिछेर मारे करबे घुमुछे। क्या बात है सेठ जी, आज क्या बात है, आज एकदम आपको हिच लेने का मन हो रहा है। भले नहीं लेता तो नहीं सूझे। नहीं नहीं, वो तो भले लेता अच्छी बात है, लेकिन बात क्या है? बात क्या, अभी आज घरागी अच्छी हुई, दिन अच्छा गया तो अंदर से एकदम मुझे खुशी हो रही है। तो सेठ जी, हम जो गुड न्यूज लेके आए हैं वो सुनते ही आप हिचा हिच करने लगोगे। अच्छा, ऐसे क्या गुड न्यूज है भाई? अभी थोड़ी देर पहले दुकान में बकुल भाई आए थे। बकुल भाई मतलब? हाँ हाँ, वही बकुल भाई जिसका पेमेंट पिछले 1.5 साल से आ ही नहीं रहा था। आ ही नहीं रहा था मतलब अभी आ गया? हाँ जी। ये देखिए सेठ जी। अरे वाह वाह, ये तो वाकई में बहुत बड़ी खुशखबरी है नटू काका। नटू काका,
कल सुबह बैंक खुले उसके पहले बैंक के बाहर जाके खड़े हो जाना और जैसे ही बैंक खुले दौड़ के अंदर जाके चेक जमा कर देना। हाँ हाँ। क्योंकि बकुल भाई का भरोसा नहीं भाई, कल वो फोन करके बोल सकते हैं कि चेक अभी मत डालना, मैं बोलू बात में 3-4 दिन के बाद डालना। डोंट वरी सेठ जी, कल सुबह डिपॉजिट हो जाएगा। और सेठ जी आपने मुझे वो स्टॉक चेक करने के बोला था ना, तो मैंने सारा स्टॉक चेक कर लिया है। तो ये रामसंग कंपनी का 85 इंच का 8K स्मार्ट टीवी हमारे पास स्टॉक में एक ही पीस बचा है। तो और 5 ऑर्डर कर दे। अरे ओ नट्टू काका, क्या और 5 ऑर्डर कर दे, 10 लाख का एक टीवी है। 5 टीवी मतलब 50 लाख का रोकड़ हो जाएगा। सेठ जी बहुत डिमांड है ये टीवी की, 3 ऑर्डर किए थे, 2 बिक गए, अभी एक ही बचा है। हाँ तो एक बचा है ना, तो और 2 कर दे ऑर्डर। भागा सुना ना, 2 और ऑर्डर कर दे। ऑर्डर तो मैं कर दूंगा नट्टू काका, लेकिन डिलीवरी 15 दिन के बाद आएगी। क्यों? क्योंकि क्या है, ये टीवी इतना डिमांड में है कि कंपनी के पास भी इसका स्टॉक नहीं है। ओ, तो ये बात नहीं, ऑर्डर तो कर दे। जी सेठ जी। और सुन भाई, ये टीवी मैं मेरे किसी दोस्त या रिश्तेदार के लिए मांगू ना, तो मुझे भी डिस्काउंट मत देना। क्यों? क्यों क्या? अरे हम डिस्काउंट तो वो चीज पे देते हैं जो माल बिकता नहीं है। हाँ। और ये पीस तो हॉट केक की तरह बिक रहा है। हाँ। और इसमें रोकड़ भी कितना ज्यादा है, तो उस हिसाब से मुनाफा भी ज्यादा होना चाहिए ना भाई। नहीं नहीं बराबर है सेठ जी। सेठ जी मैं क्या कहता हूँ, आज का आपका दिन भी अच्छा गया है, हमारा बिजनेस भी अच्छा हुआ है, तो डिनर करने आज आप हमारे साथ आइए ना पद्मावती भोजनालय। नहीं आज नहीं, फिर किसी दिन चलेंगे। बहुत दिन के बाद टप्पू आया है ना, तो आज तो मैं टप्पू और बापू जी हम तीनों साथ में मिलकर डिनर करेंगे। और फिर डिनर के बाद सोडा पियेंगे ना अपने गोकुलधाम वाले दोस्तों के साथ। वो तो जाना ही होता है। अरे दोस्तों के साथ सोडा पीते पीते गप्पे लड़ाने का मजा ही कुछ और है। भाई वाह, आज तो कमाल हो गया, गोकुल धाम में ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। आज जेठालाल ना कोई मुसीबत में फंसा, ना भिड़े के घर का कांच टूटा, ना पोपटलाल का दिल टूटा, ना कोई आफत आई और ना ही कोई फंसा। भाई पूरा दिन शांति से बीता। मुझे तो लगता है कि ये तूफान के पहले की शांति, इस शांति के बाद आने वाला है बहुत बड़ा टेंशन, और ये टेंशन है जेठालाल के गोडाउन में रखा हुआ रामसंग कंपनी का स्मार्ट टीवी। क्या गजब का टीवी है, 85 इंच 8K स्मार्ट टीवी, और इसकी कीमत है 10 लाख रुपए। दोस्तों ये टीवी मार्केट में अवेलेबल नहीं, और जो चीज मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है उसकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है, और जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है परेशानी भी उसी की वजह से होती है। जेठालाल के पास इस टीवी का एक पीस पड़ा है, अब ये एक पीस जेठालाल की पीस यानी कि मन की शांति को कैसे भंग करेगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।